मीरी पीरी दिवस पूरी दुनिया दे विच श्रद्धा भाव दे नाल मनाया गया। श्री अकाल तख्त साहब ते खास समागम होए ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कौम नूं खास सुनेहा दित्ता। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब वालों दो तलवारां धारण करके मीरी पीरी दा सिद्धांत सृजन दी याद च हर साल सिख कौम दे वालों मीरी पीरी दिवस मनाया जांदा। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दे मीरी पीरी दिवस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अकाल तख्त साहिब विखे करवाए गए गुरमत समागम समय संगतां वड्डी गिणती च नतमस्तक होईयां। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी जगबीर सिंह वालों समुचे सिख संगत नूं मीरी पीरी दिवस की बधाई भी दी गई। इस तो पहला श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के हजूरी रागी भाई महावीर सिंह के रागी जथे ने गुरबाणी कीर्तन किया। श्री अकाल तख्त साहब के नव नियुक्त जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने पहली बार अकाल तख्त साहब तो मीरी पीरी दिवस मौके कौम के नाम संदेश दिता। सतगुरां ने हुक्मनामा जारी कर दिता कि अज तो हर सिख जिहड़ा उह शस्त्रधारी होवे। इक सवाल अक्सर पुछिया जांदा है कि की सिख शस्त्र धारण कर सकदा है। गुरमुख शस्त्र ते सिख कदे आपस विचों वख नहीं हो सकते क्योंकि मीरी पीर दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने उन्हां दो महान ब्रह्म ज्ञानियों नूं भी श्री साहिबां बख्शिश कर दित्तियां और उन्हां दो महान ब्रह्म ज्ञानियों ने भी अपने गात्रे श्री साहिबां धारण कीतियां। फिर सिख अते श्री साहिब शस्त्र जिहड़ा है वह आपस में वख किवें हो सकता है। सतगुरां ने हुक्मनामे जारी कर दिते कि अज तों साडे कोल चंगे शस्त्र भेजे जाण, चंगे जवान भेजे जाण, चंगे घोड़े भेजे जाण और संगतां ने सतगुरां ने हुक्म नूं मानदिआं होइआं अपने बच्चे अपने जवान पुत सतगुरां नूं भेट कीते, शस्त्र भेट कीते, घोड़े भेट कीते ते सतगुरां पासों संगतां ने बख्शिशां प्राप्त कर दित्तियां। सतगुरां ने कहा कि फैल जाओ पिंडां विच, इक भांबड़ मचा दिओ, प्रचार करो कि जद तक कि बाबर बाणी खत्म नहीं हो जाती उन्ना चिर साडी श्री साहिब जिहड़ी है चलदी रहेगी। किसी ने कह दिता सतगुरु जी असीं थोड़े असीं घट हाँ ते बड़े कमाल दे शब्द मेरी पीर दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने कहे कहण लगे कि पहाड़ा विचों सोमे वगदे ने ना, कहिंदे एक सोमा कितों वगदा, दूजा सोमा कितों वगदा, तीजा सोमा कितों वगदा, पर जदों उह सारे सोमे इकट्ठे एक थां ते हो जांदे ने ते हड़ दा रूप धारण कर सकदे ने। तखत श्री दमदमा साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी समूह संगत नूं मीरी पीरी दिवस की वधाई दित्ती। अज बड़ा महान ते पावन पवित्र पर्व मीरी पीरी दिवस है। मैं समुची गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत नूं, समुचे गुरु खालसा पंथ नूं मीरी पीरी दिवस दीआं बहुत बहुत वधाइयां देना। सिख धर्म दे विच बड़े प्यारे संकल्प ने जिहड़े दवंध नूं दर्शाउंदे ने और एक दूसरे के पूरक ने, जिवें देग ते तेग, संत ते सिपाही, मीरी ते पीरी, धर्म ते राजनीति। अज दे दिन मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने दो तलवारां धारण कीतियां, एक पीरी दी जिहड़ी धर्म की प्रतिनिधता करती सी ते दूसरी मीरी दी जिहड़ी राज की प्रतिनिधता करती सी। धर्म ते राजनीति का सुमेल भी साढ़े धर्म के बड़ी खूबसूरती दे नाल मिलता है, पर धर्म जिहड़ा वो असवार की न्याई है और राजनीति जिहड़ी है वह कौड़ी की न्याई है। धर्म के उत्ते राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। राजनीति धर्म नूं प्रफुल्लित करन दे लई, लोक भलाई के कार्यां लई इस्तेमाल होनी चाहिए है। इहो ही सिख धर्म के धर्म ते राजनीति दा सच्चा ते सुच्चा संकल्प है। बेगमपुरे दी सिरजना राज दे अंदर होवे, इह सिख धर्म दे फलसफे दा इक प्यारा ते सच्चा संकल्प है। श्री अकाल तख्त साहिब दे मुख ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह ने संगत नाल छेवें पातशाह जी दे जीवन इतिहास दी सांझ पाई।
समागम दौरान श्री अकाल तख्त साहिब विखे सुशोभित श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दीआं इतिहासक मीरी ते पीरी दीआं किरपानां दे संगत नूं दर्शन भी करवाए गए। मीरी पीरी दिवस मौके अरदास च ज्ञानी रघबीर सिंह ते संगत शामिल हुई। अरदास भाई गुरचरण सिंह ने की ते पावन हुकमनामा श्री अकाल तख्त साहिब दे मुख ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह ने लिया।